आज ही मैं आपके साथ सिंपल तरीके से अंडे आलू की रेसिपी चढ़ाऊंगी। अंडे आलू के मैं जोन से है ना इजी तरीके से और आसान और जल्दी बनने वाले क्विक जोन से है ना एक ब्रेकफास्ट के लिए आपकी रेसिपी है ये इजी वाली, तो वो आपको बताऊंगी। इसमें मैंने जी चार मीडियम साइज के ना हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं, उनको मैंने इस तरह गोल गोल कटिंग कर ली है और चार ही मैंने एग लिए हैं, इसको उबाल के मैंने इसके पीसीस कर लिए हैं। इसमें डालूंगी दी आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी की, थोड़ी सी सौंफ डालूंगी, कलवंजी डालूंगी ये भी इसमें ऐड करूंगी और साथ वाइट तिल ऐड करूंगी, जिसमें थोड़ी सी काली मिर्च है 1/4 और 1/4 पीस साबुत सूखा धनिया और आधी चम्मच जो है चिली फ्लेक्स है। सब्ज मिर्चें डालूंगी, ये लंबाई में कटिंग है 4-5 ये जो हैं सब्ज मिर्चें हैं और 4 लहसुन के जगह हैं इसकी भी लंबाई में कटिंग की है और एक अदरक का टुकड़ा इसकी भी लंबाई में कटिंग की है और थोड़ी सी ये डालूंगी ये चुकंदर और ये साथ मेरे 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं इसको मैंने चॉप कर लिया है और 3 ही टमाटर थे इसको भी चॉप कर लिया। अब इसको जो करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी पालक है और ये साथ ही सफ़ेद ज़ीरा, 3-4 ये उनसे काली मिर्चें और एक तेज़पात का छोटा सा पीस था उसके मैंने पीसीस छोटे कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा जी तेल में से इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लग जाएगी, फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज। अब इसमें प्याज ऐड कर दूंगी, ये बहुत मजे के जो है ये अंडे आलू जो सारा अंडे आलू की रेसिपी है, ये बड़े मज़े के और बड़ी ही टेस्टफुल जो होती है रेसिपी है सहारा अंडे आलू इसकी मुमकिन है। ये आपने जरूर बनाना सीखिए बगैर ही पूरी एंड तक आपने फॉलो करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपने दोस्तों ने जो रिश्तेदारों ने जो भी रेसिपी है उसको जरूर शेयर किया करें। और पहले आपको मैंने छोटे कर लिए, अब इसमें ऐड कर देंगे जी लहसुन और अदरक जो जिंजर मैंने लंबाई में कटिंग की है ये डाल देंगे इसमें, वो आपकी अपनी मर्जी जिस तरह की चाहिए उसकी शेप आप बनाएं, जिस तरह से आप इसको उसकी पेस्ट बना कर इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह लंबाई में कटिंग करने से ना ये आपकी बाइट में जब आते हैं ना तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा लहसुन का कच्चापन खत्म होता है, अब इसे ऐड कर देंगे जी टमाटर, ये 3 टमाटर हैं इनको मैंने चॉप कर लिया है ये इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे और साथ में इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। इसे प्याज बनते हैं ना टमाटर और प्याज बनते हैं ये हमारे चॉप हुए हैं ये जल्दी जुड़ते हैं ना इसलिए ग्रेवी की शक्ल तैयार कर लेंगे। साथ में डाल देंगे ड्राई मसाले, नमक डाल देंगे जी, इसमें रेड मिर्च डाल देंगे और ये हल्दी डाल देंगे और साथ ये कलवंजी और ये सौंफ, इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर आप इसमें ऐड करें और काली मिर्च और पीसा हुआ गर्म मसाला और ये सफ़ेद तिल जो है ना ये मैं बाद में ऐड करूँगी। आपका जो मसाले डाले थे ना वो नीचे ना जले तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ताकि ये हमारा बड़े प्यारा सा इसका जो सा मसाला है ना वो रेडी हो जाए। साथ इसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी, इसमें ना रख पानी रहे चटहारा अंडे आलू की रेसिपी है, थोड़ी ज़रा चेंज है, आपने एक दफ़ा ज़रूर बनाने हैं और ट्राई करनी है, स्किप किए बगैर आपने एंड तक पूरी रेसिपी देखनी है और अब मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसको ज़रूर फॉलो किया करें, मुझे जो प्यारा सा कमेंट जो है ना भेजा करें और बताया करें। अगर आपने कोई भी रेसिपी के मतलब कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में आप फीडबैक दिया करें। तो मिक्स करके इसी तरह मैं इसको 1 मिनट के लिए कुक करूँगी, फिर थोड़ा सा पानी आधा गिलास मैंने पहले डाला है, आधा गिलास डाल के इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि हमारे जो आलू है ना वो गल जाए। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह की पसंद करते हैं ना उस मुनासिबत से डाल दें।
जी आधा गिलास पानी ऐड कर दिए ताकि आलू जो उनसे हमारे थोड़े टेंडर हो जाए, और थोड़ा पानी ड्राई होगा तो बाद में इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, सब्ज़ मिर्चें और एग वगैरह डाल के। तो फिर इसके जो उनसे मिनट के लिए ना हल्की फ्लेम पे रख दिया था ताकि जो उनसे आलू है ना वो भी सेट हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब इसमें डाल देंगे जी सब्ज़ मिर्चें, मैंने आधी चम्मच सूखी मेथी भी इसमें डाल दी है। थोड़ी सी इसमें डाल देंगे जी पालक, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अपने लिए भी जरूर ऐड करनी है। अगर ना हो तो आप स्किप कर दें, इसमें इसकी जगह पे आप धनिया पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं। ये हमारे जो है चटहारा आलू जो है ये रेडी हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर दूंगी जी एग, आप इसके ऊपर डाल दूंगी वाइट तिल, थोड़ा सा पीसा हुआ गर्म मसाला, इसका बहुत मज़े का जो है इसकी ये रेसिपी है, आपने ज़रूर इस तरह बनाना है और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है। इस डोनसिया ने जिसकी फाइनल बुक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने मज़े के मारे डोनसिया ना, ये चटहारा अंडे आलू की रेसिपी है, ये आपने इस तरह ज़रूर बनानी है। और बहुत मज़े की और यमी जो सी है ना ये रेसिपी बनी है। आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें, सलामत रहें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ आपके लिए इजी आसान, जो नए बच्चियाँ देखने वाली हैं उनके लिए लेके आती हूँ, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके मुझे फीडबैक दिया करें और मेरी रेसिपी को एंड तक पूरी दिखा करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें। और मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जी सब्ज़ मिर्ची थोड़ी सी और अपने टेस्ट के मुताबिक, जिस तरह की आप पसंद करते हैं उसका सब नाश्ता से थोड़ा। ये मैंने डिश आउट कर दी है, ये देखें जी कितनी अच्छी इसकी फाइनल लुक है। ये चटहारा अंडे आलू की रेसिपी है, आपने बनानी है और मुझे फीडबैक देना है। आपको अल्लाह ताला सलामती वाली खैरियत वाली ज़िंदगी दे। मिलती हूँ जी आपको नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।